हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू वीडियो में। आज का टॉपिक है फ्लैश नोटिफिकेशन का यूज़ कैसे करें और उसे इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं। आज का टॉपिक यही है। और फ्रेंड्स, मेरे पास है सैमसंग का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग का ओपन करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है एक्सेसिबिलिटी, आप इस पर क्लिक करेंगी। और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है ये वाला ऑप्शन एडवांस सेटिंग्स, आप इस पर क्लिक करेंगी। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है फ्लैश नोटिफिकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको दिखेगा कैमरा फ्लैश, जब इसे इनेबल करेंगे तो ये इस प्रकार से इनेबल होता है और इस प्रकार से डिसेबल होता है। और इसको भी स्क्रीन फ्लैश को भी इसी प्रकार से इनेबल करते हैं और इस प्रकार से डिसेबल करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जब इसलिए इनेबल करते हैं जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आए तो आपका फ्लैश लाइट अपने आप ओपन हो जाएगा, मतलब स्क्रीन ओपन हो जाएगा। स्क्रीन अगर आपका ऑफ रहेगा तो आपका अपना आप इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखता है ये वाला कैमरा फ्लैश, अगर आप ये नहीं चाहते तो इसे इनेबल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपका अपने आप ही फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं पीछे की साइड। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कैमरा फ्लैश को भी इनेबल कर सकते हैं और इसी प्रकार से इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये वाला इस्तेमाल करना चाहूँगी स्क्रीन फ्लैश, जिससे कि मेरा स्क्रीन ऑफ रहेगा तो अपना ओपन हो जाएगा और इससे कि आपको पता चल जाएगा आपके पास कोई नोटिफिकेशन आए तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में इसका यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आई होप आप सीखिए कि किस प्रकार से नोटिफिकेशन का यूज़ करते हैं फ्लैश नोटिफिकेशन का। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।